रही। मेरे मुसलमान भाई और बहनों, जब अगर आप कभी दांत में दर्द हो तो ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है। तो जब भी दर्द होती है तो एक बड़ी प्यारी दुआ है, आयत है, ये सूरतुल मुल्क आयत नंबर 23 है। ये सूरतुल मुल्क में है। इसको आप जिस जगह पे दर्द है, दाढ़ में है, दांत पे, उस जगह हाथ रख के दबा के 7 दफ़ा पढ़ के फूंक लें। अगर किसी के है तो उस पर फूंक मार दें, अगर आपको खुद है तो हाथ रखें और उसमें 7 दफ़ा पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला बहुत आराम होगा। क्योंकि दांत की दर्द बड़ी तकलीफ बड़ी शदीद होती है, क्योंकि ये आपकी ब्रेन के साथ नर्व्स के साथ अटैच होती है, तो बड़ा शदीद दर्द होता है। तो वसीला ज़रूर इख्तियार करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएँ। इसके अलावा अगर आप फटकड़ी या 5 ग्राम लें, पानी में उबाल लें उसको, जब वो पिघल जाती है तो हल्का से ठंडी करके उसको ना अपने उस जगह पर लगा लें, उससे भी आराम है। ये तो हो गया वसीला, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाएं। लेकिन आराम देने वाला अल्लाह की ज़ात है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप ये वाली दुआ ज़रूर पढ़ें, आयत नंबर 23 सूरतुल मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अंशाकुम वजअला लकुमस्समा वल अबसारा वल अफ़ईदा कलीलम मा तशकुरून। ये आयत है, ये ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपके दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा, मसमू दांत का। तो अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक अल्लाह अज़ीम।